हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि ए बराबर 5, बी बराबर 6, सी बराबर 7 और डी बराबर 8 हो तो 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 अंकों से कौन सा शब्द बनेगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं आपको आज इसी क्वेश्चन को सबसे पहले सिखाने के लिए लेके आया हूं। देखिएगा, ए बराबर मेरा कितना दिया गया है 5, समझ लीजिएगा। बी बराबर मेरा कितना दिया गया है 6, सी बराबर मेरा कितना दिया गया है 7 और डी बराबर मेरा दिया गया है 8। समझना यह है कि ए मेरा कितने नंबर पे आता है, अल्फाबेट 1 पे, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे और डी आता है 4 पे। ठीक है, अब ए का रिलेशन मेरा 5 से है, लेकिन 5 से अगर मैं ये देखूं कि ये जो मेरा 1 है ये कितना कम है, 4 कम है। 5 से 4 कम है कि नहीं, 1। यहां देखो 6 से 2 मेरा कितना कम है, 4 कम। 7 से 3 मेरा कितना कम, 4 कम। और 8 से 4 मेरा कितना कम, 4 कम। यानी कि दूसरी वाली संख्या में से 4 कम है पहले वाली संख्या, है ना। तो ये देखो मेरे जो नंबर दिए गए, जैसे 16, 5, 27, ये बाद वाले नंबर ही तो है, ये वाले नंबर ही तो दिए गए, अल्फाबेट का तो नहीं दिया गया, अल्फाबेट तो हम बनाएंगे बाद में। तो जो मेरे देखो बाद वाले नंबर है, इनमें से 4 कम है ये अल्फाबेट के नंबर, तो इन सभी में से मैं 4 कम करके अल्फाबेट के नंबर बनाऊंगा। जैसे मेरा पहला नंबर 16 है, उसके बाद में देखिए 5 है, फिर 27 दिया गया, फिर 29, फिर 9, 22 और 23। ठीक है, ये दिए गए। अब इनमें से मैं 4 कम करके बनाऊंगा। देखो 16 में से 4 कम करूंगा तो 12 आ जाएगा, 5 में से 4 कम करूंगा 1 आ जाएगा, 27 में से 4 कम करूंगा 23 आ जाएगा, 29 में से 4 कम करूंगा 25, 9 में से 4 कम करूंगा 5, 22 में से 4 कम करूंगा 18 और 23 में से 4 कम करूंगा तो 19। 4 कम कर लिया ना, अब इनका अल्फाबेट बन जाएगा। देखो 12 पे कितना आता है एल, ये कितना है 1, 1 पे क्या आता है ए, तो एल ए देखो किस ऑप्शन में है, एल ए, एक ही ऑप्शन है जिसमें मिल जाएगा, लेकिन पूरा चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 23 पे क्या आता है डब्ल्यू, 25 पे आता है वाई, 5 पे आता है आपका ई और 18 पे आता है आर और 19 पे आता है एस। तो आपका बी ऑप्शन जो मैच कर रहा है बिल्कुल सही है, और इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट वाला सवाल आपको दे दे आप उसे अब बना लोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 17 का रिलेशन 24 से है तो 153 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। बीएसएससी 2014 में पूछा गया सवाल। वैसे तो मैं सभी सवाल वही लेके आता हूं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब यहां पे देखो 17 है, 24 है, 153 है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर का जो दिमाग है ना आपसे कहीं ज्यादा फास्ट होता है, उसे पता है कि आप क्या करोगे, 17 से 24 बनाओगे, उसको पता है। कम से कम 5 मिनट बर्बाद कर दोगे 27 से 24 बनाने में। अगर 27 से 24 जब नहीं बन पाएगा तो फिर आप क्या करोगे, 17 से 153 बनाओगे। जब पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से नहीं बनता तो पहली संख्या का रिलेशन तीसरी से बनाना होता है, इस बात को याद रखना। इसीलिए पहली संख्या से दूसरी संख्या बनाने के लिए एक दो बार ही प्रैक्टिस करें, जब देख लें कि नहीं बनना तो फिर पहली का तीसरी से बनाना चालू कर दें। ठीक है, जब पहली का तीसरी से बनेगा तो फिर दूसरी का चौथी से बनेगा। ठीक है, तो पहली का तीसरी से 153 से कैसे बनना है, ये जो 17 है आपका, अगर आप इसका मल्टीप्लाई 9 से कर दोगे तो 153 देखिए मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही देखो, मैंने 17 से 153 बना लिया, ऐसे 24 से ये संख्या बना लूंगा। संख्या 17 थी, 17 का मल्टीप्लाई 9 है, अब यहां 24 है संख्या तो 24 का मल्टीप्लाई 9 करूंगा मैं। 9 चौक 36 का 6, हासिल लगे 3, 9 दुनिया का 18, 18 में हासिल के 3 जोड़ दूंगा तो 21 कितना हो जाएगा, 21 मतलब 216 आ जाना चाहिए यहाँ पे, 216। और 216 मेरा बी ऑप्शन में दिया गया है, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में इसको इतना एवं इसको इतना लिखा जाता है तो उसी में पिकनिक को कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा, इसको इतना लिखा गया डी आई सी के आई एन एस ओ एन, इसको क्या लिखा गया, इतना लिखा गया, यानी कि 3, 5, 7, 9, 5, 0, 2, 1, 0, यही तो लिखा गया। और इसको इतना लिखा गया डी आई पी, पी को क्या लिखा गया 3, 5, 6, 6, 3, 5, 6, 6, यही तो लिखा गया। अब आपसे इसका कोड पूछा है, आसानी से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी आई सी एन आई सी, देखिएगा ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, पी दिया गया। अब मेरे पी का मान कितना, देखो 6 है, यहां पे भी पी का मान 6 है तो यहां पे भी मेरा पी का मान 6 आ जाएगा। आई का मान देखो, आई का मेरा यहां पे 5 है, यहां पे भी आई का मान 5 है, यहां पे भी आई का मान 5 है, तो उसी कोड भाषा में
आई का मान यहां भी 5 रहेगा। सी का मान देखो, सी का मान कितना है 7, तो यहां पे भी सी का मान 7 होगा। एन का मान देख लीजिए, एन का मान यहां पे देखो 0 है, यहां पे भी 0 है, तो एन का मान यहां पे भी 0 हो जाएगा। आई का मान आपको पता है 5 है, और सी का मान भी आपको पता है, सी का मान कितना 7। बस हो गया 657057, मतलब बी ऑप्शन है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है, यदि 7 को कूट भाषा में इतना लिखा जाए और 8 को इतना, तो 9 को कैसे लिखेंगे? देखिएगा, बोला है उसने 7, एस ई वी ई एन, ठीक है, इसको क्या लिखा गया, इतना, यानी कि 2 3 1 3 6, यही तो लिखा गया, 8 को लिखा गया इतना, ई आई जी एच टी, इसको क्या लिखा गया, 3 4 5 7 9, 9 का कोड बताना क्या होगा, एन आई एन ई, इसको आसानी से नहीं बता पाओगे। यहां पे देखो, एन का कोड पूछा है, एन का कोड मेरे यहां पे कितना है 6, तो एन का कोड इसी में 6 लिख दूंगा, क्योंकि भाषा तो वही है, उसी कूट भाषा में लिखना है। आई का देखिए, आई का मेरा कितना है 4, तो यहां पे भी आई का 4 आ जाएगा। एन का आपको पता ही है 6 है, ई का आपको मालूम है, देखो ई का 3 यहां पे, ई का 3 यहां पे, ई का 3 यहां पे, तो यहां पे भी 3 हो जाएगा। तो 64 63, ये आपके सवाल का आंसर है, 64 63 किस ऑप्शन में है, 64 63 पहले ही ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है, 6 6 10 11 14 16 18 क्वेश्चन मार्क। यहां पे आप क्या करोगे, दो संख्या लगातार सेम है, 6 6 फिर 10 11, ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको करना क्या, ध्यान रखना कि दो संख्या लगातार आ जाए तो आप एक संख्या को छोड़ करके रिलेशन बनाएं, या फिर एक कभी संख्या बढ़ गई, कभी घट गई, कभी बढ़ गई, तब भी आप एक संख्या को छोड़ के रिलेशन बनाया करें, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैं 6 से पहुंच जाऊं एक संख्या छोड़ के 10 पे, तो 6 में कितना जोड़ा मैंने, 4, 10 बन गया, फिर एक संख्या छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, 10 से 14 पे पहुंचा, मतलब यहां भी 4 जोड़ा, मैं फिर से एक संख्या छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, तो 14 से पहुंच के 18 में, मतलब यहां भी 4 जोड़ा, और फिर से मैं एक संख्या छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, तो यहां भी 4 जोड़ूंगा, 18 में 4 यहां 22 आ जाएगा, लेकिन मुझे ये वाली संख्या चाहिए, ये वाली नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो छोटी हुई संख्या उनका रिलेशन बना लो। 6 से देखो मैं 11 पे पहुंचूंगा, 6 से 11 पहुंचूंगा, मतलब 5 जोड़ूंगा, 11 से 16 पे जो पहुंचूंगा यहां पे भी 5 जोड़ना है, ठीक है। अब 16 से यहां पहुंचूंगा, मतलब यहां भी मुझे 5 जोड़ना है, तो 16 में जोड़ेंगे 5, कितना हो जाएगा भैया 21, तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी, 21 आ जाएगी, और 21 दिया गया मेरे पहले ही ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है, दी गई संख्या में गलत संख्या ज्ञात करो, यानी कि आपके पास एक सीरीज है संख्या की, इसमें कोई एक संख्या गलत दी गई है, वही आपको बताना है क्या गलत है, 196 169 144 121 101, अगर आपको स्क्वायर या क्यूब याद नहीं है तो आप ऐसे सवाल को नहीं कर पाओगे। कोई भी तैयारी आप कर रहे हो तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये 196 है, ये क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है, 169 है, ये 13 का स्क्वायर होता है, 144 है, ये 12 का स्क्वायर होता है, 121 है, ये 11 का स्क्वायर होता है, आप ये क्या आना चाहिए, 10 का स्क्वायर आना चाहिए, और 10 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 100 होता है, यानी कि 100 आना चाहिए, लेकिन क्या दिया गया, 101, तो यही तो गलत संख्या हुई हमारी, हुई कि नहीं हुई, यही गलत संख्या है 101, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।